नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। अब के बरस मानसून की राह बड़ी मुश्किल है। आमतौर पर अब तक कश्मीर पहुंचने वाला मानसून 12 दिन से यूपी बिहार की सीमा पर अटका हुआ है। ये 17 जून को मऊ जिले के पास पहुंच गया था, लेकिन पाकिस्तान से राजस्थान के रेगिस्तानों से होकर आने वाली गर्म हवाओं के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसा पहले कर्नाटक में हो चुका है, जहाँ मानसून 10 दिन तक अटका रहा था। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में हवाओं का दबाव थोड़ा कम है, इस वजह से मानसून को आगे धकेलने वाली हवाएं नहीं चल रही। लेकिन अब पश्चिमी हवाएं कमजोर होने लगी हैं और बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठकर उत्तर पश्चिम की ओर बहनी शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए उम्मीद है कि अगले 2 दिन में मानसून आगे बढ़ना शुरू हो सकता है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, बंगाल, दिल्ली में भी संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 7 से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये कोवोवैक्स वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। इसके अलावा जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल की 2 डोज की वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई है। ये वैक्सीन अभी 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को ही लगाई जाएगी। रायपुर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को धन्यवाद कर कहा कि हमारे बच्चे हमारे देश और प्रदेश का भविष्य है। इन्हें यदि शानदार शिक्षा मिले तो आगे के रास्ते ये खुद बना लेने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इसके लिए दिन रात कार्यरत है। यही कारण है कि आज देश भर में हमारे स्कूलों की प्रशंसा हो रही है। रायसेन शहर में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वहीं नगर के सभी चुनावी मैदान में डटे 17 पार्षद पद के प्रत्याशियों को और जिला कांग्रेस पद अधिकारियों को जीत की रणनीति बनाने के लिए ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने संगठन के सभी पद अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी के सभी 17 उम्मीदवारों को चुनाव जीतने के मंत्र दिए। अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना शुरू हुई, जिसके परिणाम देर रात तक आए। इससे पहले कलेक्टर सतीश कुमार और एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम का जायजा लेने पहुंचे। कलेक्टर सतीश कुमार एस ने बताया कि मतगणना प्रत्याशियों के एजेंटों के लेट आने के कारण देरी से शुरू हुई, जिसके बाद एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव के दौरान उपद्रव करने वाले लोगों से रीपोल की कीमत वसूली जाएगी। लेट शुरू नहीं हुआ है, समय पर शुरू हुआ है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में यूजुअली थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पूरा काउंटिंग पार्टीज वहाँ तैयार होना है और उसके बाद उसका पूरा सिस्टम जमने में समय लगता है। तो अभी से लेकर आगामी समय में वो फास्ट चलेगा। तो उन चारों को पुलिस ने रात में राउंड अप कर लिया है। कल मतलब उन पर पूर्व में कायमी की गई थी उचित धाराओं में, और उनके विरुद्ध प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार का दौर जारी है। प्रचार प्रसार का बिगुल थमने से पहले प्रत्याशी अपना पूरा दम लगा रहे हैं। इसी क्रम में अटेर की ग्राम पंचायत में भी सरपंच प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत धरई से सरपंच प्रत्याशी विनोद सिंह यादव ने जनसंपर्क करने की गति को तेज कर दिया है। उनका कहना है कि अगर जनता मुझे जिताती है तो जनता के लिए वो कर दिखाऊंगा जो अभी तक किसी सरपंच ने नहीं किया। पंचायत से आप सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, इस पंचायत से कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं? 6 कैंडिडेट। 6 कैंडिडेटों में आपका जनता को कितना समर्थन मिल रहा है? हमें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा सहयोग, जो हमने सोचा नहीं था इतना सहयोग कर रही है जनता। सब जगह स्वागत सत्कार चल रहा है हमारे, पूरी जनता पूरी पंचायत का हमें समर्थन है। हम नालीपुरा से विनोद सिंह यादव को जिताना चाहते हैं। सरल स्वभाव के और सीधे सज्जन है और अच्छे प्रत्याशी है।
रायपुर पुलिस ने अवैध शराब बेचने के फ्राक में घूम रहे युवक को 35 बोतल शराब गिरफ्तार की। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के शास्त्री मार्केट में एक संदिग्ध देखा गया है जो अवैध शराब बेचने की फ्राक में है। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस और संदिग्ध को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई। तलाशी में युवक के पास से 35 बोतल अवैध शराब की मिली, जिसके बाद युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। ये मामला पूरा भूल बाजार का है, जिसमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि तनूर तनवीर द्वारा जो पुराने जो चील घर के पास देसी शराब बेचने के फिराक में है, जिस पर जाकर रेडिंग कर रही थी, जिससे उसके पास से 45 पाव देसी शराब मिला है, जिस पर तनूर के खिलाफ 34 का मामला गोल बाजार में पंजीकृत किया गया है और आरोपी को रिमांड पर भेजा गया। पैसे का लालच देकर महिला से ठगी करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला राजधानी के गोल बाजार थाने का है, जहां बाजार से अपने घर जा रही बुजुर्ग महिला से ठगों ने सोने चांदी के जेवर के बदले कागज की गड्डी बैग थमा दिया और फरार हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घर जा रही बुजुर्ग महिला से अज्ञात पुरुष ने और महिला ने नोट आधा आधा बांटने का लालच दिया। वहीं ठगों ने पैसे का लालच दिखाकर महिला से सोने चांदी के जेवर उतरवा लिए और रुमाल में पैसे की जगह कागज की गड्डी और पत्थर देकर फरार हो गए। महिला जब घर पहुंची और रुमाल को खोलकर देखा तो उसमें नकली सोने के कंगन और पत्थर थे। मामले को लेकर पुलिस ने ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये पूरा मामला थाना गोल बाजार का है, जिसमें जो महिला थी रंगतीन भाई, जिसकी उम्र लगभग 58 वर्ष है, उसे एक महिला तथा एक पुरुष जो उसको चिकनी माता मंदिर पास मिले और पैसे का झांसा देकर उसे मोतीबाग पर ले गए और उसे पुटली दी, जिसमें बताया कि जितना आपके पास जो सोना चांदी है उससे ज़्यादा इसमें पैसे हैं, और ऐसा करके उससे एक करधन मंगलसूत्र और सोने के जो टॉप्स है अपने पास रख लिए और एक उसे पुटली दे दिए। जब महिला बाद में जाकर उसमें देखी तो उसमें ऐसा कुछ था नहीं, जिस पर उसे ठगी का एहसास हुआ। कटनी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना में मतपत्रों की गिनती में हेर फेर का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विजय राघवगढ़ के गुड़गड़ौभा में 4, 5 और 6 वार्ड नंबर मतदान केंद्र पर 132 पे 389 मतपत्र की गिनती हुई थी, जबकि कुछ देर बाद 439 मतपत्र की घोषणा की गई। मामले को लेकर पोलिंग एजेंट और अन्य व्यक्ति के प्रवेश पर गड़बड़ी करने की बात सामने आ रही है। इस मामले को लेकर महिला प्रत्याशी सहित अन्य लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं मतदाताओं का कहना है कि मतदान क्रमांक 132 में हुए मतदान को निरस्त कर पुनर्मतदान कराए जाएं। सरपंच के लिए मैंने फॉर्म भरा था और उसके बाद 3 बजे से 7 बजे तक चालू हुआ है, 3 बजे समाप्त हुआ है। उसके बाद मतगणना में बताया गया कि 379 वोट पड़ी है और बाद में मतगणना के बाद समाप्त होने के बाद बताया गया कि 439 वोट पड़ी है। इनका ये कहना है कि काउंटिंग में गड़बड़ी की गई है। इनको चाहिए था कि रिकाउंटिंग का आवेदन वहीं पीठासीन अधिकारी के समक्ष ही पेश करना था। मैं गड़बड़ी को लेकर अभी एक कंप्लेंट हमारे पास आई है जी, उसको हमने जांच में लिया है जी। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद हम अगली बार। सर, जब हम पूरी पोलिंग कंप्लीट हो गई इसके बाद बताया कि 389 वोट पड़े। हाँ, थोड़ी देर बाद ही ये बोलते 389 नहीं, जब लड़का बाहर निकलता है तो 439 वोट हो गए। राजधानी पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि राजा तालाब के रहने वाले रोनी और श्रेया नाम के पति पत्नी को अजय बाघे ने सरकारी नौकरी दिलाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद उसने दोनों पति पत्नी के खिलाफ ठगी की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत राजा तालाब निवासी रोनी ब्राउन और उसकी पत्नी श्रेया ब्राउन के द्वारा लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत थाना सिविल लाइन में प्रार्थी अजय कुमार बाघे के द्वारा की गई है, और जिसमें विभिन्न लोगों को शासकीय नौकरी दिलाने के नाम से लगभग 7 लाख रुपये की ठगी इन दोनों इस दंपत्ति के द्वारा किया गया है, जिसको संज्ञान में लेते हुए थाना सिविल लाइन में 420-34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध प्रतिबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
मंदसौर पुलिस को 5000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि इंदर सिंह बंजारा नाम के आरोपी पर अपहरण, गुंडागर्दी और मारपीट जैसे 13 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा 3 महीने पहले की एक घटना में आरोपी फरार चल रहा था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मंदसौर की ओर जा रहा है। शिकायत के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। इंदर थाना गरोड़ का लिस्टेड गुंडा है इंदर सिंह पिता गोरीलाल बंजारा। इसके विरुद्ध थाना गरोड़ पर और अन्य जगह पर कुल मिलाकर के 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। मारपीट, गुंडागर्दी के और अपहरण के, चोरी के, इस प्रकार से कुल 13 प्रकरण पंजीबद्ध है। कांकेर पुलिस की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि राव घाट और नारायणपुर मुख्य मार्ग के पास नक्सलियों ने आईटी प्लांट कर रखी है। सूचना के आधार पर बीएसएफ और डीआरजी की टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्हें सड़क से 15 मीटर की दूरी पर आईडी बम मिला, जिसे डीआरजी की टीम ने सावधानी रखते हुए निष्क्रिय कर दिया। खाद्य की समस्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बाजार में खाद उपलब्ध है तो सोसाइटी में क्यों उपलब्ध नहीं है, इसकी जवाबदारी किसके ऊपर है। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से लगातार किसानों का शोषण हो रहा है। राज्य सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी जो समस्या अभी है वो खाद और बीज को लेकर के है। लगातार किसान इस बात को उठा रहे हैं, लगातार इस बात को हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि बोनी का समय समाप्त हो रहा है, रोपाई का समय आ गया है और अभी भी सोसाइटी में खाद की उपलब्धता नहीं है। अलग अलग जगह किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। छतरपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर विकास वचना पत्र जारी किया, जिसके बाद पर क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि अगर नगर की जनता कांग्रेस की परिषद चुनती है तो नगर विकास वचन पत्र के अनुसार विकास काम करेगी, यानी कि पानी का बिल माफ और हाउस टैक्स हाफ कर दिया जाएगा। वचन पत्र, नगर विकास वचन पत्र आज आप सबके सामने दिया है। इसमें मेन जो मुख्य हाईलाइट है, पानी बिल माफ, हाउस टैक्स माफ, हर वार्ड में नगर पालिका का सेवा कार्यालय होगा और निजी कब्जे से मुक्ति दिलाएंगे, जनता के हाथ में होगी नगर पालिका, ये मुख्य विषय है। साथ ही साथ एक हमने 100 दिवस की एक कार्य योजना बनाई है जिसमें 10 बिंदुओं को लिया है। आगामी बरसात से पहले सहारनपुर नगर आयुक्त अलर्ट मोड में है। मानसून के कारण होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए सहारनपुर नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि हम सभी नदी नालों की सफाई कर रहे हैं, हर रोज सुबह 5 बजे निरीक्षण किया जा रहा है और हमें विश्वास है कि इस बार मानसून के दौरान जल भराव की समस्या नहीं होगी। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में जो काम है उन कामों पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और सबसे पहली जो बात है वो स्वच्छता, सफाई की है। तो सफाई तो हमारी चली रही है, प्रतिदिन 5 बजे सुबह से हम लोग खुद ही भ्रमण करते हैं और बहुत सारे अधिकारी हमारे, लेकिन इसके अलावा नालों की, जितने भी हमारे शहर में नाले हैं, लगभग 315 नाले टोटल मिला करके हैं, उन सभी नालों की, नालियों की, छोटे बड़े मंझले सब प्रकार के नालों की सफाई लगभग हमारी पूरी हो चुकी है। कटनी जिले के ग्राम देवगांव का एक मामला सामने आया, जहां मध्य प्रदेश सरकार की नल जल योजना के अंतर्गत 82 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य में एक पानी का टैंक बनाया गया, लेकिन 82 लाख रुपए में इस टैंक का एक ढक्कन तक ना लग सका। ये खुला टैंक बिना ढक्कन वाला नन्हे बच्चों के या युवाओं को मौत की खुली दावत देता नजर आ रहा है। अकस्मात कहीं कोई इस टैंक में गिर गया या फिर किसी असामाजिक व्यक्ति ने इस टैंक में कोई
विष जहर कोई विषैला पदार्थ ही फेंक दिया, तब भी उस टैंक का पानी लोगों के घरों तक सप्लाई होने से एक बड़ी घटना घटित हो सकती है। इस लापरवाही पर ग्रामीणों और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने अनेकों बार इस बारे में जानकारी भी दी, लेकिन आज तक विभाग या ठेकेदार के कुछ नहीं किया। परेशानी है सर कि उसमें सभी छोटे बड़े बच्चे नहाते हैं, यदि कोई बच्चा उसमें गिर जाए, मर जाए या कुछ हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसका ढक्कन बंद करवाना चाहिए। हाँ, नल जल योजना में अगर टंकी निर्माण हुआ है तो उसका उसमें ढक्कन भी लगाना जरूरी है, अगर ये नहीं लगाए हैं तो विभाग की लापरवाही मानी जाएगी। मेरे संज्ञान में था नहीं, अभी आपके द्वारा जन नॉलेज में आया, उसको हफ्ता भर में अपन कम्प्लीट करा देंगे। ये ढक्कन को पाइप डाल एक माह में टेस्टिंग कम्प्लीट करा के पंचायत को। मध्य प्रदेश में मानसून फिर एक्टिव हो रहा है, बीते दो दिन से कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, वहीं अन्य जिलों में जो है कि वहीं आपको बता दें कि बुधवार से ये और सक्रिय होने जा रहा है। वहीं राजस्थान से मध्य प्रदेश होते हुए ओडिशा तक बने रहे सिस्टम के कारण प्रदेश में मानसून की फिर से बारिश शुरू हो गई है। अभी पश्चिम मध्य अरब सागर के ऊपर मध्य चक्रवर्ती गतिविधियां सक्रिय हैं, इसके साथ ही पूर्व पश्चिम ट्रफ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा होते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली है। इससे अरब सागर से नमी मिल रही है, इसी कारण भोपाल, रायसेन, बैतूल, शिवपुरी, अशोकनगर सहित अन्य जगहों पर कहीं कहीं बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणाओं पर अमल हुआ है, जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को योग्यता अनुसार शासकीय नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अबूझ माड़िया, पहाड़ी, कोरबा, बिरहोर, बैगा, कमार, पंडो और भुंजिया वर्ग के 9,629 युवाओं को मिलेगा। बेमित्रा के भाजपा कार्यकारिणी और पद अधिकारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जो कि जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण शिविर में आने वाले विधानसभा चुनाव सहित होने वाले अन्य चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर भाजपा की योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं प्रशिक्षण शिविर में पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल के साथ पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल और पूर्व विधायक अवधेश चंदेल सहित जिले के भाजपा नेता मौजूद रहे। तीन दिनों से 26, 27 और 28 प्रदेश के निर्देशानुसार ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है कि अपने नए पुराने कार्यकर्ताओं को जो समीचीन विषय रहते हैं उसमें प्रशिक्षित किया जाता है। 3 दिन तक के हमारे कार्यकर्ताओं को सबको प्रशिक्षित किया गया, ये हमारा विषय है। रायपुर में ठगों ने अब विद्युत उपभोक्ताओं को अपने निशाना बनाया है, जहां ठग मोबाइल पर बिजली काटने के SMS भेजे जा रहे हैं। SMS में बताया जा रहा है कि आपका पुराना बिल अपडेट नहीं हुआ और इस महीने का बिल भी नहीं भरा गया है, इसीलिए आपकी बिजली काट दी जाएगी, आप तत्काल विद्युत अधिकारी से संपर्क करें। इसके साथ ही विद्युत अधिकारी का मोबाइल नंबर भी भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से सिविल लाइन रायपुर में शिकायत दर्ज करवाई गई। जिन 2 नंबरों से SMS किए जा रहे हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। सिटी की ओर से अपराध दर्ज किया जाए, थाने में
पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर इस कार्रवाई को में रोक लगाया जाए इस गतिविधियों में। कल हमारे द्वारा साइबर सेल और सिविल लाइन थाना दोनों जगह पत्राचार कर और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर इसमें रोकथाम के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें। एक कंफ्यूजन था कि पता नहीं विभाग के द्वारा इस मैसेज क्यों किया जा रहा है जबकि उनका बिल पेड है। इस संबंध में जब उन्होंने सीएसईबी में शिकायत की और उस शिकायत की गंभीरता को देखते हुए कार्यपालन यंत्री प्रवीण कुमार साहू के द्वारा थाना सिविल लाइन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जिस पर भारतीय दंड विधान की धारा 420 511 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और उस मोबाइल धारक की तलाश की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती है, बीजेपी का षड्यंत्र चलते रहता है। क्या राजस्थान में देखें या फिर मध्य प्रदेश में इस प्रकार के हथकंडे अपनाते रहते हैं। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी आईटी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, किसका दुष्प्रभाव भी दिख रहा है या प्रजातंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की सरकारों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उसे किसी प्रकार से अस्थिर किया जाए, उसे अपदस्थ किया जाए, तो ये षड्यंत्र उनका चलता रहा है। चाहे वो राजस्थान में देखें, मध्य प्रदेश में देखें और अन्य प्रदेशों में इस प्रकार के हथकंडे, क्योंकि उनके साथ अब वो ईडी आईटी सीबीआई ये सारे लोग लगे हैं और इसके माध्यम से सब मैनेज करने की कोशिश वो कर रहे हैं और जिसका दुष्प्रभाव दिख रहा है प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में कम बारिश होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता जताई है। वहीं सीएम ने कहा कि सबसे चिंता का विषय ये है कि जून समाप्ति की ओर है और जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं हुई। साथ ही कहा कि कृषि कार्य इस कारण कहीं शुरू हुआ है और कहीं नहीं हुआ, बारिश ना होना भी एक चिंता का विषय है। जून अब समाप्ति की ओर है और उसके बाद भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई है जिसे कृषि कार्य प्रारंभ हो सके, कहीं कहीं शुरू हुआ है नहीं हुआ है, और ये जो मौसम की बेरुखी है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। निकाय चुनाव के चलते रायसेन शहर में चुनावी सरगर्मियां अब जोर पकड़ने लगी हैं। मंगलवार को भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कार्यालय का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, पार्षद पद की भाजपा उम्मीदवार नीति दीपक पंड्या ने किया। इस मौके पर प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि शहर के चहुमुखी विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। वहीं अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण समेत अन्य संसाधन और मशीनें उपलब्ध करवाकर मरीजों की सहूलियत के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। अब बात मुंबई पीडब्ल्यूडी विभाग के घोटालों की है, जहां कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारी ही सरकार और आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर गैर सरकारी, हर विभाग को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से बांध दिया जाता है, लेकिन कुछ सरकारी नुमाइंदे करोड़ों के घोटालों के नीचे इतना दबे हुए हैं कि उनको विकास और जिम्मेदारी का भार उठाना भी मुश्किल पड़ता है। या फिर साफ शब्दों में कहें तो सरकार के कुछ भ्रष्ट नुमाइंदे ही सरकार और जनता के लिए आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं। अब ऐसे में लाजमी है कि जनता की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी विभाग में घोटालों का बोलबाला, महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी का बड़ा घोटाला, पैसे खिलाने वाले सरदार और ईमानदार कर्जदार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डिप्टी इंजीनियर जिम्मेदार, क्या काले का नामों के जिम्मेदार नांद्रेकर साहब, आखिर कौन है करोड़ों के घोटाले का जिम्मेदार, आखिर कब रुकेगा भ्रष्टाचार। जनता कर रही जांच की मांग, आखिर क्यों सरकारी नियमों को तोड़कर टेंडर दिया गया, बिना काम किए बिल क्यों दिए गए, ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों की सांठ गांठ, पैसे लेकर टेंडर देने का आरोप।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर कार्यरत हैं। प्रेसिडेंसी डिवीजन को राज्य सरकार की संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अनुदान देती है और इसी अनुदान से ही ये काम होते हैं। सरकारी पैसे का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है, काम न करते हुए भी बिल अदा किए जा रहे हैं और इसी निधि का गबन किए जाने का आरोप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर पर लगाया जा रहा है। बता दें कि 2 साल पहले भी कार्यकारी अभियंता स्वामीदास चौबे द्वारा गड़बड़ी पाई गई थी। आखिर इन सब अवैध कामों को बढ़ावा किसके संरक्षण में दिया जाता है? तो इन घोटालों की आईआईटी मुंबई द्वारा जांच की जाने की मांग की जा रही है और आम जनता द्वारा मास्टरमाइंड कहे जाने वाले नांद्रेकर व संबंधित अधिकारियों के फोन रिकॉर्ड्स, संपत्ति तथा बैंक लेनदेन की जांच करने की मांग आम जनता द्वारा की जा रही है। वहीं छोटे ठेकेदारों और आम जनता का कहना है कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि इन घोटालेबाजों पर कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।